तो हमारे सामने खड़े हैं एक छोटे कलाकार नैतिक कठियाल, जिनका आपने पहले भी गाना सुना था बसोली टाउन। अभी इनका नया भजन आया है माता का दरबार, तो उस भजन के बारे में नैतिक जी आपका क्या कहना है? जी मेरा सबसे यही निवेदन है कि उस भजन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। सभी को हमारी राम राम। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं अटल सेतु ब्रिज पर, जो कि बसोली का एक बहुत ही बड़ा पुल है, और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं नैतिक कठियाल के पापा श्री विश्वनाथ जी। तो विश्वनाथ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं नवरात्रों के शुभ अवसर पर सभी को जय माता दी। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ मल्टी इन्फॉर्मेशन वाई अनिल और बसोली के न्यूज़पेपर दैनिक जागरण जी का, जो हमारी छोटी मोटी जो भी न्यूज़ होती है आए दिन देखने को मिलती है, और कुछ ऐसी डिमांडें होती हैं जो कभी भी पूरी नहीं होती हमारे शहर में। इन चैनलों के माध्यम से कई बार मैं उन मांगों को पूरी होते देखता हूँ, तो बहुत ही मज़ा आता है और खुशी होती है कि जब इस तरीके से कोई काम करता है। देखो बात यह है कि कोई भी आदमी अपने अकेले दम पर कुछ नहीं कर सकता, जब तक अपने दोस्तों का साथ ना मिले। तो रिलीज़ हुआ था एल्बम बसोली टाउन, बसोली पुल बड़ा प्यारा लगता, उसको मैंने ही लिखा था, और मेरे साथ मेरे जो जिन्होंने मेरा साथ दिया था राहुल केरकाट, मेरे भाई जो सिंगर हैं, और उनके भी आए दिन बहुत सी एल्बमें रिलीज़ होती रहती हैं, तो उनका भी मुझे साथ मिला था। तो मल्टी इन्फॉर्मेशन का अनिल जी का तो साथ मुझे हर वक्त जब भी देखो साथ होते हैं, तो बहुत खुशी होती है। रही बात हमारे विक्रम जी गवर्नमेंट टीचर मेरे जीजा जी हैं, नैतिक के अंकल जी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, क्योंकि नैतिक भी अपने अकेले दम पर कुछ नहीं कर सकता था। आज नैतिक आगर बड़ी बड़ी स्टेजों पर गाता है, तो ये सब गवर्नमेंट टीचर विक्रम कुमार जी रैन द्रबड़ जोन से हैं, सब उनका ये कमाल है। नैतिक कठियाल का भजन सुनने के लिए छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो आप मल्टी इन्फॉर्मेशन बाय अनिल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं जी। और अगर पूरा भजन का मजा लेना चाहते हैं तो आप बिहान स्टूडियो JK पर आप उसका पूरा आनंद ले सकते हैं। दोस्तों कल इनका गाना रिलीज़ हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, जो मेरा कल गाना रिलीज़ हुआ है माँ का दरबार, जिसके सिंगर हैं नैतिक कठियाल जी मेरे बेटे, तो बहुत ही अच्छा भजन है। इनको मैंने लिखा था, जब मैंने इस भजन को लिखा तो कम से कम 2-3 महीने लगे इसे लिखने के लिए, क्योंकि कभी कभी कोई लाइन ऐसी होती है जो बीच से काटने पड़ती है और नई लाइन जोड़नी पड़ती है, जो कि सभी को अच्छी लगे। इस तरीके से हम थोड़ा सा उस गाने पे, उस भजन पे फोकस रखते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा टाइम लगा। तो आज कल से हमारा 7 बजे से माता शीतला जी के दरबार का जो भजन रिलीज़ हुआ है, काफ़ी लोग उसे प्यार दे रहे हैं, काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। जो हमारा नया भजन रिलीज़ हुआ है उसके छोटे छोटे क्लिप देखने के लिए आप YouTube चैनल मल्टी इन्फॉर्मेशन वाई अनिल और बसोली हलचल पर देख रहे होंगे, और पूरा भजन सुनने के लिए और उसका आनंद लेने के लिए आप बिहान स्टूडियो JK चैनल पर इसको सुन सकते हैं। मैं आपका बसोली से विश्वनाथ इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हुए जय माता दी, और अगले भजन के लिए फिर आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल मल्टी इन्फॉर्मेशन बाय अनिल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।